आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत क्या कुछ कह रहे हैं दिखाते हैं। नितेश्वर आनंद जी नौकरी छोड़कर आए और उन्होंने बहुत ही अच्छा मंत्र दिया, रोजगार नहीं स्वरोजगार। सुबह भी हल्का सा मैंने भी इस विषय को स्पष्ट किया था, जो मैंने अनुभव किया। आज भी हमारे देश में लगभग 3.25 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 125 करोड़ की देश की आबादी है। तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कितनों को दिया जा सकता है। और जब आज हर जगह डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कंप्यूटरीकरण हो रहा है, हजारों आदमियों का काम एक मशीन कर रही है, तो ऐसे में स्वरोजगार ये वक्त की आवाज है। और स्वरोजगार में हम सब लोग रोजगार पा सकते हैं और अपने आप नहीं, अपने हम दो साथियों को भी, जो लोग काम कर रहे हैं यहां पर, जिन्होंने आज अपने अनुभव बताए, उनके साथ बगैर हैंड्स के तो काम किया ही नहीं जा सकता है। और इसलिए आपके जो अनुभव आए हैं, श्वेता ने तो क्या नाम, शिल्पा ने तो कमाल ही कर दिया। इस लड़की ने, इसने तो 2 रेस्टोरेंटें चला रही है, और ऐसा तो नहीं खाली नाम हो शिल्पा का। और है सच बताना, अजबपुर की है, मेरे तो पड़ोस की बच्ची है ये। और कितना और कर रही हो प्रोग्राम, कितना और चलाने की तैयारी हो रही है? 3 और तैयारी करे, बहुत अच्छा बेटा। आजकल चेन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इनोवेटिव काम किए हैं। मड़वा बर्फी ये मैंने पहली बार हमने खाई जब मेरे पास लेकर आए थे। पप्पू भाई हमारा जो है, इनकी मेरी एक, इनके बारे में एक बार एक अखबार में थोड़ा छपा। देखिए, मैं हर किसान से कहता हूं कि अखबार जरूर पढ़िए, हर किसान से कहता हूं मैं। इतनी एक चीज ऐसी साल भर में, 2 साल में एक चीज ऐसी मिल जाती है कि जो हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई होती है और हमारे जीवन में चेंज ला सकती है। जब मैं पशुपालन विभाग का मंत्री था तो हमने एक योजना की पशुओं के इंश्योरेंस की, दुधारू पशुओं की, और विधानसभा और जहां पर मेरे को किसान ने शिकायत की, विधानसभा में और उस गांव में 3 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस नहीं है। कितना? 3 किलोमीटर, अगर एरियल जाएं तो 1 किलोमीटर भी नहीं है। और वहां पर एक किसान ने कहा कि साहब मेरी 35,000 रुपए की, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, शायद 8 की बात होगी 7 की बात होगी, कि मेरी एक 35,000 रुपए की गाय मर गई साहब। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने इंश्योरेंस नहीं कराया क्या? बोले साहब इंश्योरेंस क्या चीज होती है? मैंने सारे अखबारों में निकाला और एक ही दिन में निकाला, अलग अलग दिन में निकाला, ताकि 2-4-5 दिन में कहीं तो नजर पड़े किसानों की थोड़ी। मैं भी जानता था कि थोड़ा हमारा किसान जागरूक कम है, समाचार कम पढ़ते हैं। जब समाचार पत्र पहुंचता है तो उसमें दूध निकालने का वक्त होता है, फिर उसको बाजार में बेचने का समय होता है, तो पढ़े कब वो। लेकिन फिर भी ये था कि भाई चलो शायद पढ़ेंगे। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, विधानसभा की से 1 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस, 3 किलोमीटर का मोटर रेबल रोड सड़क, और वहां पर जब उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कैसा भी होता है, तो मैंने वहीं से एक बात मेरे दिमाग में आई कि हम पढ़ते ही नहीं अखबार। और इसलिए मैं जब भी जाता हूं, मैं किसान भाइयों बहनों के बीच में एक बात जरूर कहता हूं, मैं बच्चों से तो पूछता हूं, भाई सीरियल देखते हो नहीं देखते हो? विशेषकर महिलाएं, समाचार भी सुनते हो कि नहीं सुनते हो? क्यों रंजना? रंजना क्या करती मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं कि एक बार समाचार जरूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, 24 घंटे में एक बार, 12 घंटे में एक बार सुनो तो बहुत अच्छा है।
और अखबार जरूर पढ़ने चाहिए। और जो हम इस काम में जिस काम को हम कर रहे हैं उससे संबंधित साहित्य सब उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। जरूरत यह है कि हम रुचि रखें कि हमको इसको पढ़ना है, हमको उसके बारे में जानकारी करनी है। ये अगर हम लोग करें तो हमको जानकारी हासिल हो सकती है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और पप्पू जी मुझे अखबार से ही मिले थे, अखबार में इनके बारे में छपा था। मैंने ढूंढा, मैंने कहा कहाँ है, तो ढूंढते ढूंढते पता चल गया ये कहाँ है। और फिर मैंने इनको बुलाया अपने पास, उस समय मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, मेरे थोड़ा रुचि भी है खेती में। और इनको मैंने दूरस्थ क्षेत्र भेजे। एक मैंने इनको कहा कि पहले तुम टेहरी के भिलंगना घाटी में जाओ, भिलंगना हमारा दूरस्थ है। यद्यपि जो हॉस्पिटैलिटी की बात हो रही है, सबसे ज्यादा हॉस्पिटैलिटी में उस ब्लॉक के लोग हैं, लेकिन वो बाहर हैं, जापान में हैं ज्यादातर, 500 लोग वहां के जापान में। और तब से हैं, अब तो खैर बहुत जो फॉरेन एक्सचेंज बैंक जो होते थे करेंसी, वो या तो घनसाली में था या तो देहरादून में था, या तो घनसाली में था या तो देहरादून में था। लेकिन वो लोग बाहर सेटल हो गए, तो मुझे ये लगा कि वो भी बहुत फर्टाइल वैली है, बहुत अच्छी वैली है, मैं बिल्कुल अंदर तक उसमें गया हूं। और दूसरा मैंने इनको भेजा घेस, मैंने कहा वहां जाओ दूरस्थ क्षेत्रों में। मेरी एक मुझे लगता है कि उत्तराखंड बना है तो शायद इस पर सबसे पहला अधिकार दूरस्थ जो कोने में जो गांव है उनका है, ये मैं सोचता हूं। और इसलिए मैंने ऐसे बॉर्डर के गांवों को मैंने कोशिश की। मैंने सेना में बात की अखरोट के पेड़ों के लिए जनरल रावत साहब से, और उसके लिए जो नर्सरी तैयार हो रही है वो मलारी में हो रही है, जो आर्मी का बेस कैंप है, जो बड़ा होती का बेस कैंप जहां पर है। और लास्ट आखिर में कि हम तो तब मानेंगे विकास पहुंचा है जब विकास उन आखिरी गांव में दिखाई दे। ये जो घेस है, घेस में आज घेस हमारा डिजिटल विलेज है। आज घेस और हिमनी ये हमने इसमें टेली मेडिसिन शुरू किया और उसको अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से जोड़ा है। ये अमित जी की जो टीम है हमारे सिन्हा जी की, इन्होंने ये स्वयं वहां गए, हमारे जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर पांडियन, हमारे जो कमिश्नर हैं, हम स्वयं घेस गांव में गए मटर की पहली फसल की कटिंग के लिए। वहां पर हमने कहा इसको वहां से शुरुआत करते हैं। वहां पर पता चला वहां तो बिजली भी नहीं है, पता चला वहां टेलीफोन की भी कोई सर्विस नहीं है। और जब हम दूरस्थ क्षेत्रों जाते हैं तो वहां एक चीज हमको जो सबसे जो दुखाने वाली चीज थी, जो तकलीफ होने वाली चीज थी, वो हमको देखने को मिला कि वहां पर 22 से 25 साल की बीच की अवस्था में महिलाओं के दांत गिर जाते हैं। पड़ोस के गांव में, हिमनी के सामने वाला गांव, क्या गांव था, बलाड़ गांव में, वहां से हम पानी लाए, वहां का मिट्टी लाए कि आखिर बीमारी का कारण क्या है कि 22 और 25 के बीच में दांत गिर जाते हैं और महिलाओं के गिरते हैं, जेंट्स के साथ कुछ नहीं होता, ऐसा क्यों है। हमको लगा कि पानी में फ्लोराइड हो सकता है, कोई ऐसी चीज अत्यधिक मात्रा में हो सकता है, लेकिन जब उस पानी का विश्लेषण किया था ऐसा कुछ नहीं था। कारण क्या है कि जब बच्चे होते हैं तो उनको उतनी खुराक नहीं मिलती। जो हेमलता बहन ने पूरी बात नहीं बोली, आधी वो बोल के रुक गई बोलते बोलते, गांव की जो स्थिति है, दूरस्थ क्षेत्रों की जो स्थिति है, उनको ठीक से डाइट नहीं मिलती। और इसके कारण जो अंत में निर्णय पर पहुंचे कि इस कारण उनके दांत गिर जाते हैं। और हिमलता बहन ने जहां पर बात रोकी कि अगर मां स्वस्थ होगी, जो महिला, उन्होंने कहा कि महिलाओं पर मेरा विशेष फोकस रहता है, मां अगर स्वस्थ होगी तो मां का स्वास्थ्य बच्चे के काम आता है। बहुत अच्छा विषय उन्होंने दिया, बेटी बचाओ से भी एक तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ही संवेदनशीलता से उन्होंने पूरी बात। तो ये थे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत युवाओं के साथ सीधा संबंध स्थापित करते हुए।